हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपने मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस मैंने आप सबके साथ अपना शेयर किया हुआ था, आज भी मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ और वो है बर्थ कंट्रोल मेथड यानी कि कॉपर टी, जो मैंने यूज़ किया हुआ है और जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ प्रेजेंट टाइम पे। मैंने ये यूज़ क्यों किया और मुझे इसके क्या साइड इफेक्ट झेलने पड़ गए, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपको बिना स्किप किए हुए देखना है। तो जैसे कि मैंने सोच रखा था कि हाँ, जब मेरा बेटा या बेटी पैदा हो जाएगा उसके बाद ही मैं या तो ऑपरेशन करा लूँगी, या तो अगर ऑपरेशन हो जाता तब तो वेल एंड गुड, इन केस कोई कॉम्प्लिकेशंस होते या फिर मना कर दिया जाता है तो फिर मैं ये बर्थ कंट्रोल मेथड ऑप्ट करूँगी। अब वो मैंने सोचा नहीं था कि कौन सा करने, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस थे, एक इंजेक्शन का भी था प्लस ये भी था कॉपर टी का भी था और भी सारे चीज़ें थी, पर मुझे कॉपर टी सबसे सही लग रहा था क्योंकि थोड़ा रीज़नेबल भी था और इसके ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं थे, तो मैंने यही ऑप्ट किया हुआ था। पर पहले मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो था ऑपरेशन, पता नहीं क्यों अनफॉर्चुनेटली उन्होंने डॉक्टर्स ने मना कर दिया। वो कह रही थी कि अभी आपके बच्चे दोनों बहुत छोटे छोटे हैं तो अभी आप ये मत करिए, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे मतलब 10 साल के हो जाएंगे तब आप करिएगा, अभी आप यही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही यूज़ करिए, मतलब बर्थ कंट्रोल मेथड ही यूज़ करिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो मैंने ओके कर दिया, मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद ये उस टाइम पे नहीं लग सकता, मतलब मेरा ये था कि आफ्टर डिलीवरी ही मेरे लग जाए, पर ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि कहते हैं कि 41 डेज तो ब्लीडिंग होती ही है, तो उस टाइम पे ये नहीं लग सकता था। ये जब आपका नेक्स्ट पीरियड आता उसी टाइम पर ये लग सकता था। तो उस टाइम पे तो मैं दिल्ली में थी, तो मैंने दिल्ली में ही लगवा लिया था और ये मुझे कुछ अराउंड 1500 पक्का पड़ा था, हाँ 1500 का ही मुझे ये पड़ गया था, तो मैंने ये दिल्ली में ही लगवाया था। और यार जब ये लगा भाई साहब, बहुत अनकम्फर्टेबल मुझे फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था पता नहीं मेरी बॉडी में मैंने क्या लगवा लिया है, मतलब वो पेन, वो अजीब सी फीलिंग। आई थिंक जिसने लगाया होगा उसी को पता होगा, मैं अभी आपको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती ना वो मैं बता पा रही हूँ कि कैसा मुझे फील हो रहा था, चक्कर आना, मतलब अगर मैं बैठी भी हुई थी तो ऐसा लगा कि मैं झूल रही हूँ, मेरा सर घूम रहा है, इतना अजीब सा लग रहा था। एक हफ्ते तो मुझे बहुत अनईजी सा फील हो रहा था। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे ये भी चीज़ कही थी कि हाँ इसके बाद, मतलब जब आपने कॉपर टी लगवा लिया है उसके बाद आपके जो पीरियड्स होंगे वो बहुत हैवी होगा। 7 डेज मुझे नॉर्मल जो मेरे होते हैं, साइकिल जो मेरी है वो ऐसी ही 7 डेज मुझे होते हैं, मतलब उनका कहना था कि 3 दिन आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी प्लस बहुत पेन होगा। पर गाइस, उसका साइड इफ़ेक्ट जो मुझे झेलना पड़ गया था वो ये था कि मुझे 6 महीने तक मेरे पीरियड्स नहीं आए थे और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी DNC वीडियो देखी थी उनके जो कमेंट्स आते थे उसकी वजह से उन्होंने उस कमेंट को पढ़ के मुझे टेंशन होने लग गई थी, क्योंकि कुछ विमेन ने मुझसे वो शेयर किया था कि कॉपर टी लगाने के बाद भी वो उन्होंने कंसीव कर लिया, वो प्रेग्नेंट हो गई। और यार मेरे दिमाग में पूरे टाइम यही चल रहा था, कहीं ये मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं मैंने तो कंसीव नहीं कर लिया, क्योंकि मैं 3rd प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी ना, मैं चाहती थी। फिर मैंने डॉक्टर को ये चीज़ बताई कि मैम इतना टाइम हो गया, अभी तक पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उनका ये कहना था कि हम सबकी जो बॉडी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, तो उसको ऑप्ट करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी आपने कॉपर टी लगवाई है या आपका फ़र्स्ट टाइम है तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, उसे एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, पर आपके पीरियड आ जाएंगे। फिर मुझे दिसंबर में जाके मेरे जब पीरियड्स आए मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि हाँ चलो चलो फाइनली ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कंसीव नहीं किया, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरे पीरियड्स आ गए हैं। पर भाई साहब, जो डॉक्टर ने कहा था कि हाँ वो पेन, लिटरली गाइस मैं अभी भी वो पेन नहीं बर्दाश्त कर पाती, कि जो 3 दिन मेरी हालत रहती है, एक तो पेट में जो दर्द होता है वो तो अनबियरेबल होता है, प्लस अब मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है कि हाँ अब मेरी बैक में भी पेन होता है, और वो भी दोनों, मतलब ये हो ऐसा टाइम आ जाता है कि बैक पेन और पेट का पेन दोनों एक साथ होते हैं, और उन दोनों पेनों को सहन करना मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। वो 3 दिन मेरी हालत कैसी रहती है सिर्फ मैं जानती हूँ, और प्लस मैं उसमें कोई दवा नहीं लेती हूँ, मतलब मैं वो दर्द कैसे बर्दाश्त करती हूँ मैं ही जानती हूँ, कि
अगर मैंने दवा लेना स्टार्ट कर दिया तो फिर मेरी आदत बन जाती है, वो मैं चाहती नहीं हूँ। सही में यार उसको लगाना, मतलब जब से मेरी कॉपर्टी लगा है 3 दिन यार गाइस, इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि क्या ही बताऊँ। प्लस वो दर्द, दर्द मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ बस मैं जानती हूँ। उसके बाद से आज सच तो मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं, बस यही दो चीज़ है, एक पेन और हैवी ब्लीडिंग। और उनका ये कहना था कि हाँ आपको सिर्फ 3 महीने ये होगा, पर अब चल रहा है अगस्त, दिसंबर से लेके अगस्त तक जब भी मेरे पीरियड्स आए हैं यार, मुझे हमेशा ये दिक्कत रहती है कि हाँ 3 जब भी मेरे आते हैं, स्टार्टिंग के 3 डेज जब मैं डाउन होती हूँ तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग प्लस वो पेन, मतलब अनबियरेबल रहता है यार। हाँ गाइस एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने भी किया है, कॉपर्टी लगने के 6 महीने बाद आप प्लीज़ अपना टेस्ट करा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी कॉपर्टी हो सकता है इंसर्ट करते टाइम कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो, प्लस या फिर कहीं वो कॉपर्टी अपने जगह से खिसक ना गई हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम, या फिर उसके लगने के बाद से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, मतलब जैसे बर्निंग सेंसेशन, इचिनेस, ये कोई प्रॉब्लम आपके साथ तो नहीं हो रही है, तो प्लीज़ जैसे ही आपने लगवा लिया कॉपर्टी उसके 6 महीने बाद ही आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइएगा। तो बस यही था मेरा कॉपर्टी का एक्सपीरियंस। और हाँ अगर आप भी मुझे कुछ इससे रिलेटेड सजेशन देना चाहते हैं कि हाँ मैं जो वो पेन होता है उसको कैसे कम करूँ बिना दवा किए, मतलब मैं कोई दवा नहीं लेना चाहती हूँ, उसके अलावा अगर मुझे आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि हाँ वो दर्द को मैं कैसे मतलब कैसे कम करूँ, कुछ घरेलू नुस्खे अगर आप जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं वो ट्राई करना चाहती हूँ कि अभी भी मैं डाउन हूँ। मेरा ये 2nd डे है सीरियसली यार, बहुत पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बस यही था मेरा कॉपर्टी का एक्सपीरियंस। अगर आपको भी अपना कुछ एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और हाँ अगर आपको कुछ और भी मुझसे शेयर करना है या कुछ और भी टॉपिक चाहते हो कि हाँ मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। तो अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।